बरेली बांदा नैनी जेल के जेल अधीक्षक सस्पेंड। बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम को सस्पेंड किया गया। नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह सस्पेंड। बरेली जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ला सस्पेंड। बरेली बांदा नैनी जेल के जेल अधीक्षक सस्पेंड। बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम सस्पेंड। नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह सस्पेंड। बरेली जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ला सस्पेंड। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, बरेली बांदा नैनी जेल के जेल अधीक्षक को सस्पेंड किया गया, क्या वजह रही जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई? देखिए आसिफा, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो बरेली बांदा और नैनी जेल के जो अधीक्षक हैं उनको सस्पेंड किया गया है। वजह देखिए साफ तौर से ये बताई गई है क्योंकि जिस तरह से पिछले महीने उमेश पाल की हत्या हुई थी और उसमें भी देखा गया था कहीं ना कहीं जो जेल का कनेक्शन है वो सामने आया था और जेल से ही साजिश को रचा गया था, तो तमाम चीजों पर देखिए डीजी जेल जो है वो जांच कर रहे थे और जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि बरेली जेल, नैनी जेल और बांदा जेल के जो अधीक्षक है उनकी लापरवाही पाई गई। क्योंकि देखिए बरेली जेल में अशरफ है और बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्याकांड में कहीं ना कहीं अशरफ ने ही साजिश रची है और जेल से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो देखिए एक वजह यह भी हो सकती है। हालांकि अधिकारी जो हैं वो अभी इस पूरे मामले पे खुल के नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आदेश जारी किया है कि जो तीन जेल अधीक्षक है उनको सस्पेंड किया जा रहा है। और अगर हम नैनी जेल की बात करें, देखिए अफीफा, तो नैनी जेल में अतीक अहमद का जो लड़का है वो बंद है। बांदा जेल की बात करें तो देखिए बांदा जेल में मुख्तार अंसारी खुद बंद है। तो देखिए जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जो बड़े माफिया हैं, वो इन तीनों जेलों में बंद थे और इन्हीं तीनों जेलों के जो अधीक्षक हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं उन लोग को देखिए कई तरह किसी हर तरह की जो मदद है वो प्रोवाइड कराई जा रही थी जेल में। यही वजह हो सकती है कि इन तीनों लोगों को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल देखिए अधिकारी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि किन वजहों से इनको सस्पेंड किया गया है, पर अभी तक जो बातें निकल कर सामने आ रही है क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुई, बांदा जेल की बात करें तो वहां पे खुद मुख्तार अंसारी है और कहा जाता है कि जो बड़े इस तरह के माफिया होते हैं उनकी जेल प्रशासन जरूर मदद करता है हर चीज में। इसी वजह से देखिए कहीं ना कहीं इन जेल अधीक्षकों की लापरवाही सामने आई जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल देखिए अभी अधिकारी खुल के सामने नहीं बोल रहे हैं कि किन वजह से इन लोगों को हटाया गया है, पर अभी तक जो पूरा मामला है तो मामले को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन तीनों जो जेल अधीक्षक को हटाया गया है कहीं ना कहीं इन बड़े जो माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, उनकी मदद कर रहे थे। यही वजह है कि इस वजह से इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। जी आफिफा, अबू तलहा, बरेली बांदा और नैनी जेल में से दो ऐसे जेल हैं, बरेली जहां अशरफ बंद है, वहीं नैनी जेल में जैसे कि आपने बताया कि अतीक अहमद का बेटा बंद है। तो भाई एक तरह से अगर देखा जाए तो उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश में किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए प्रशासन और क्या क्या तैयारी कर रहा है, किस तरह से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई थी उसके बाद से तमाम शूटर्स, दो लोगों को मुठभेड़ में भी मारा गया था और तमाम शूटर्स की देखिए जो लोकेशन है वो ट्रैक की जा रही है। और देखिए इस पूरे उमेश पाल की हत्याकांड में जो अशरफ है, अतीक अहमद का भाई, उसका नाम निकल कर सामने आया था और खुद अतीक अहमद का भी सामने नाम निकल कर आया था कि इन्हीं लोगों ने जेल से साजिश रची है और इस तरह की हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो देखिए लगातार इस तरह की जाँच चल रही है, हो रही थी और जाँच में कहीं ना कहीं ये जेल अधीक्षक दोषी पाए गए थे जिसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई की गई। अब उमेश पाल हत्याकांड की अगर बात करें तो देखिए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया उमेश पाल हत्याकांड को, जो शूटर थे उनकी लोकेशन लगातार ट्रैक हो रही है। गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो देखिए बीते दिनों मेरठ के एक जो अतीक अहमद के रिश्तेदार है उनके घर पे उसकी लोकेशन मिली, सीसीटीवी भी आई, पर उसके बाद भी गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार है। तो तमाम जो मेन शूटर थे इस हत्याकांड में वो अभी भी फरार चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस इन बड़े शूटर्स को पकड़ने में नाकाम साबित होती नजर आ रही है। साथ साथ देखिए बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स पे भी कई तरह के इनपुट मिले थे, पर लगातार पुलिस जो है इन तमाम बड़े शूटर्सों को गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। अबू तलहा, बरेली बांदा और नैनी जेल के जेल अधीक्षक सस्पेंड किए गए। बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम सस्पेंड। नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह सस्पेंड। बरेली जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ला सस्पेंड। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री का दौरा। कुशीनगर के पडरौना विधानसभा में करेंगे जनसभा। पडरौना बस स्टैंड का करेंगे उद्घाटन। लगभग 6 करोड़ कार्य योजना बस अड्डे के लिए मिला। एक लंबे अरसे के बाद पडरौना वासियों को मिलने वाली है सौगात। बस स्टैंड बनने के बाद यात्रियों को मिलेगी सुविधा।
कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री का दौरा, कुशीनगर के पडरौना विधानसभा में करेंगे जनसभा। पडरौना बस स्टैंड का करेंगे उद्घाटन, लगभग 6 करोड़ कार्य योजना बस अड्डे के लिए मिली। एक लंबे अरसे के बाद पडरौना वासियों को मिलेगी सौगात, बस स्टैंड बनने के बाद यात्रियों को मिलेगी सुविधा। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री का दौरा, कुशीनगर के पडरौना विधानसभा में करेंगे जनसभा। अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।